नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरजी न्यूज राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जहां कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जहां रालोपा के सांसद हनुमान बेनीवाल को धमकी मिली थी। जी हाँ, हनुमान बेनीवाल को मिली थी धमकी, और धमकी के खिलाफ आज तेजवीर सेना जयपुर में प्रदेशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। जी हाँ, बड़ी बिग बिगिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, कल नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को थावला निवासी लालाराम गुर्जर द्वारा कोटा निवासी देवा गुर्जर की फेसबुक आईडी पर दी गई जान से मारने की धमकी के खिलाफ संपूर्ण राजस्थान में जाट समाज और पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। इसके खिलाफ तेजवीर सेना ने उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग की। तेजवीर सेना प्रदेश अध्यक्ष दिलसुख चौधरी ने बताया कि लालाराम गुर्जर को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और राजस्थान सरकार द्वारा हनुमान बेनीवाल को उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल पर बाड़मेर और जयपुर में जानलेवा हमला हो चुका है तथा चूरू में हनुमान बेनीवाल की सभा में एक युवक हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। अतः राजस्थान सरकार से निवेदन है कि हनुमान बेनीवाल को उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान करवाई जाए तथा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की खास धर्मपाल सेवदा ने बताया कि इसके खिलाफ तेजवीर सेना द्वारा कल संपूर्ण राजस्थान के जिला व तहसील मुख्यालयों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम के ज्ञापन भी दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज, हनुमान बेनीवाल को धमकी मिली है और इस धमकी में गुर्जर समाज का एक युवक बताया जा रहा है जिसने धमकी दी है, और किसी और की फेसबुक आईडी से उसने यह धमकी दी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस न्यूज़ के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली बड़ी न्यूज़ में बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ मिलेगी जल्द ही। जय हिंद, जय भारत। सुन रहे सुन, ओ भोसड़ी के हनुमान बेनीवाल, ओ मादर चौद कुत्ते, जाटड़े, क्या बोला रे तू, क्या बोला? विकास दुबे मारा गया, विकास दुबे मारा गया, हनुमान बेनीवाल तेने क्या बोला, पपला गुजर कब मारा जाएगा? तो सुन मादर चौद हनुमान बेनीवाल, विकास दुबे था, तू बोलता है पपला कब मारा जाएगा, जगन सिंह कब मारा जाएगा? तो सुन, पपला गुजर है और जगन सिंह गुजर है, और ये लाला गुजर, उप राजू गुजर, सनोप शंकरलाल गुजर, निवासी नरसिंह बासनी, जिला नागौर, थाना थावड़ा, हाल मकाम कोटा राजस्थान, ये गुजर समाज की ढाल है भोसड़ी के, ना पपला मारा जाएगा ना जगन मारा जाएगा, है हनुमान बेनीवाल है तू मारा जाएगा, तेरी बलि, अरे तेरी तो तेरी बलि चढ़ाएंगे मादर चौद, हम गुजर और राजपूत मिलके तेरी शीश काटेंगे तेरा, और जगदम्बे को बलि चढ़ाएंगे, तू मादर चौद एक चुनाव जीत गया, एक आध विधेयक जीत गया, तू बहन चौद शेर बन रहा है क्या है? तू मादर चौद जिस भी पार्टी के सपोर्ट में हो ना, कोई सी भी पार्टी हो, मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ, किसी भी पार्टी तेरे को बचाएगी नहीं, तेरा शीश काटेंगे मादर चौद, तू हमारे समाज के खिलाफ बोलता है घोसड़ी के हनुमान बेनीवाल, मैं वो लाला गुजरूँ जो 2007 में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारा को एक धमकी पे भोसड़ी के गार्ड बना दी थी पांच, और पुलिस ने नहीं पकड़ा हमारा कुछ भी, वही लाला गुजर, और जगन वही जगन सिंह गुजर है, और पपला गुजर है, और तू भोसड़ी के गुजर से भिड़ रहा। आनंद पाल हमारा भाई था, दादा आनंद पाल नहीं रहा ना, हम भाई तो हैं भोसड़ी के, तेरा शीश काट के भैरू बाबा के चढ़ा देंगे हम, तो तेरी जीवान को लगाम लगा ले, बच्चों से प्यार नहीं का तेरे को, साले तेरा शीश काट देंगे हम, अगर तेने एक शब्द भी गुजर समाज के, तेरी दो गलती माफ कर दी, एक बार तेने जगन के लिए बोला, फिर पपला गुजर के लिए बोला, फिर तू परसों के दिन बोला कि विकास दुबे मर गया पपला का क्या होगा, अगर पपला गुजर, अरे भोसड़ी के
ये राजस्थान ही इंडिया की पुलिस में गांड में दम नहीं है, पपला का बाल उखाड़ ले। ठीक है, पपला गुजर का बाल उखड़ेगा ना तो तेरे शीश काट देंगे हम। ध्यान कर लियो, दोबारा बोलने से पहला सोच लियो, तू तेरे में कौन से होश में, तू झगड़े जाकड़े भेनचोद, तेरे गान में घुसा देंगे तेरी राजनीति और दादागिरी। साले तेरी इतनी औकात मार दे चोद, गुजरों के खिलाफ बोल रहा तू तो।